अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 17.1 से रिलेटेड लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 9th के साइंस ग्रुप के, तो आज हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्ट आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल थी, यही हमने सेम काम क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, लेकिन वहाँ पर हमें टू साइड्स या एंगल दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें उसका क्राइटेरिया पता चल जाए, क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट आर राइट एंगल ट्राइंगल मेजर ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर। और आपके पास ये हिंट दिया हुआ है आगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि राइट एंगल क्या होता है, जिसमें हम जो हमारे पास 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो हमने जो सेमी सर्कल है, वट इज सेमी सर्कल बोलते हैं हाफ सर्कल को, यानी कि आपके पास इस तरह से, इस तरह की शेप में कोई ये अगर आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जिसका हाफ होगा, बिल्कुल जिसके सेंटर से लाइन पास करेगी ये, तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सेमी सर्कल, या आप नीचे वाले पार्ट को भी सेमी सर्कल कह सकते हैं, बिकॉज ये भी इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि एंगल जो हमने बनाना है वो है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके साथ अब हमें क्या गिवन है, हमारे पास टू साइड्स गिवन है, यानी कि एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड वन साइड इज़ गिवन 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये करेंगे कि सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हम आगे से इसको किस तरीके से करेंगे। तो जी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है आपको, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर गिवन है, और आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यानी कि जिसमें आपके पास 90 का एंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज ड्रा करना है। अगर आप किसी ट्राइंगल को ड्रा करते हैं, ठीक है, आप ऐसे किसी ट्राइंगल को ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, आपके पास ये वाला जो पार्ट होता है, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये ट्राइंगल इस तरीके की शेप की नहीं बनेगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो हाइपोटेन्यूज है उसको आप लाइन सेगमेंट के तौर पर लेकर पहले ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। चलें, ये अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लाइन लगा लेंगे। हाँ जी, 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लाइन लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करके 5 तक। ये हो गए हमारी दोनों पॉइंट्स को मैच कर दें तो ये लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं ए एंड बी का। तो जी हमने ए एंड बी का नेम दे दिया इन पॉइंट्स को। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में जैसे कि हमें कहा हुआ था, यानी कि हमारे पास हिंट क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, यानी कि हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है। हाउ टू ड्रा सेमी सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो साइड ड्रा की है, ये वाली साइड ड्रा की है, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास इस लाइन का हाफ आ जाएगा, यानी कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे रख के फिर हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हम इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखते हैं हम इस लाइन को टू पार्ट्स में किस तरीके से हमने डिवाइड करना है। हम अपनी कंपास लेंगे, ठीक है, हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे हम अपनी कंपास को, इस लाइन सेगमेंट को देखें, आपने अपनी कंपास को इतना ओपन करना है कि आपको फील हो कि आप हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि आपने अपनी कंपास को इतना ओपन कर लिया, आप देखें ये वाला पार्ट इसका ज़्यादा है और ये वाला पार्ट इसका कम है। ठीक है, इसका मतलब है हमने इस कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। हम आपने पॉइंट बी से रख के आर्क लगानी है, ठीक है, ऐसे ऊपर भी लगानी है और नीचे भी लगानी है आपने। ठीक हो गया, मैं कंपास थोड़ी सी हिल गई है, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके आपने ऊपर भी आर्क लगा दी, आपने नीचे भी लगा दी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने सेम काम करना है, आपने पॉइंट ए से भी रख के
एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क आपने नीचे लगा देनी है, ठीक है। तो जो पॉइंट बी से हमने नीचे वाली आर्क ड्रा की थी, यहाँ पे ये दूसरी आर्क इसके साथ मैच नहीं हुई, तो यहाँ पर भी आप दोबारा से आर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ ऊपर नीचे आर्क्स लगा लिए हैं। अब इनसे जो हमारे पास पॉइंट आया ना, आपने उन दोनों पॉइंट्स को मैच करके लाइन लगानी है। ये देखें, से अब हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे ऐसे। लाइन आपने डॉटेड लगानी है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या किया, डॉटेड लाइन लगा देंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो डॉटेड लाइन और आपके पास इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या आपका, अब आपने इस पॉइंट से हाफ सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को सबसे पहले आप ओ का नेम दे दें, ठीक है। अब ओ का नेम देने के बाद आप ओ ए या ओ बी मेजरमेंट जितनी कंपास ओपन करें, ठीक है, ओ ए या फिर ओ बी। अब आप देखें दोनों मेजरमेंट सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि हमने इस लाइन को बाइसेक्ट किया, यानी कि इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये पार्ट भी ओ ए भी सेम है और ओ बी भी सेम है, इसका मतलब है हम ओ से रख के ओ ए जितनी कंपास ओपन करके हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हम हाफ सर्कल ड्रा कर रहे हैं ऐसे जी स्टूडेंट्स, ये हाफ सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ये था कि आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसमें 90 का एंगल होता है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी साइड है वो हमारे पास 3.2 है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हमने अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, और अब हमारे पास एक साइड दी हुई है, इसका मतलब है हम ए से रख कर भी आर्क लगा सकते हैं, हम बी से रख कर भी आर्क लगा सकते हैं, यानी कि ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं। ये इसकी ये वाली जो साइड है जो 5 सेंटीमीटर थी ए बी मेजरमेंट, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब आपके पास एक साइड यहाँ पर होगी, इसकी सेकंड साइड ये होगी, तो यहाँ पर सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लिया है। अब आपने पॉइंट ए से रख के इस हाफ सर्कल के ऊपर आर्क लगा देनी है, ठीक है। आपने ये आर्क ड्रा कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस आर्क को, यानी कि ये आर्क और हाफ सर्कल से जो पॉइंट मैच कर रहा है, इसको सी का नेम दे दें। सी का नेम दे दिया आपने, अब सी को आपने ए से भी मैच करना है और बी से भी मैच करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को बी से भी मैच कर देंगे और ए से भी मैच कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पर ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर मेजरमेंट लिखते हैं 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, में हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।